हेलो बच्चों, केम छो? मजा माने? तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 के रियल नंबर से कुछ इंपॉर्टेंट रेशनलाइज, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, तो हम लोग आज कुछ परिमेयकरण यानी रेशनलाइज को सीखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है ये रेशनलाइज यानी परिमेयकरण। देखिए, यहाँ मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और भी कुछ क्वेश्चन को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे आज, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 1/√7, यहाँ पर क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, रूट सेवन, और हमें ये रूट सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए, यहाँ मैंने किया, क्या है हमारे पास, 1/√7, हम लोग यहाँ रूट सेवन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, रूट सेवन बन जा, तो ये हो गया हमारा रूट सेवन। और जब रूट सेवन को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब रूट सेवन को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा जस्ट सेवन। क्यों? क्योंकि रूट सेवन को रूट सेवन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट ओवर 49, और 49 का रूट कितना होता है, सेवन होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सेवन। तो ये आप याद रखिएगा कि जब हम लोग रूट सेवन को रूट सेवन या रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, थ्री, रूट सेवन को रूट सेवन से मल्टीप्लाई किया तो उसी तरह से रूट सेवन हट जाएगा यहाँ पर और हमारे पास क्या आ जाएगा, सेवन। इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्या हमारे पास, यहाँ हमारे पास है रूट फाइव, यहाँ पर है 2√3, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, इस रूट से, है ना, रूट वाले नंबर आगे में जो 2 है उससे मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में हमने रूट थ्री से इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या है हमारे पास, देखिए ऊपर में क्या हो गया, रूट ओवर 15, है ना, 5 3 15, नीचे क्या हो जाएगा, 2, और रूट थ्री को जब रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है जस्ट 3, यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, रूट ओवर 15/6, और ये हो गया आंसर, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए क्या है, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन 1/2+√3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस है ना तो हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, यहाँ 2+√3 है, यहाँ क्या लिखेंगे, 2-√3, यहाँ भी हम लोग लिखते हैं 2-√3। अब देखिए क्या बचा हमारे पास ऊपर में, 2-√3, नीचे देखिए, नीचे में यहाँ पर क्या है, a+b और a-b के रूप में दिख रहा है आपको, है ना, इसको मैंने a मान लिया, a+b, ये हो गया a+b, ये हो गया a-b, तो क्या हो जाएगा, a² - b², ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचता है हमारे पास 2-√3, 2 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 4, और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा जस्ट 3, ठीक है ना, तो इसको माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ऊपर में हो गया हमारा 2-√3 और नीचे में हो गया 1 को नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर यही 1 आपका अगर ऊपर में आता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 अगर आपका डिनोमिनेटर में आता है तो डिनोमिनेटर में अगर आता है 1, यानी तो अब इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी इसी तरह से है, यहाँ क्या है, 1/√5-2, क्या है हमारे पास, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर हम लोग प्लस से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या किया मैंने, √5-2 को यहाँ पर लिखेंगे +2, ठीक है, माइनस है ना तो क्या लिखेंगे, +2, उसी तरह से यहाँ भी लिखेंगे +2, समझा आपने, क्या किया मैंने, माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करिएगा, प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास, इसको इंटू कर लीजिए तो √5+2, नीचे में ध्यान दीजिए फिर से, a-b और a+b, यहाँ क्या था, a+b और a-b के रूप में था, ये क्या है, a-b और a+b के रूप में है, लेकिन दोनों जगह हमारा एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b² दैट इज √5² - 2² ठीक है। तो अब देखिए ऊपर में क्या है हमारे पास, √5+2, और नीचे क्या है हमारे पास, √5² करेंगे तो आएगा जस्ट 5, और 2² होता है 4, उसी तरह से फिर से नीचे क्या बचा हमारे पास, 1, ऊपर में क्या है, √5+2, और 1 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 को हम लोग नहीं लिखने से भी चलेगा ना, तो इस तरह से हमने लिखा √5+2, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपने अभी तक यही देखा कि अगर हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लाई में रहता है तो सिर्फ रूट वाले नंबर को हम लोग ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने रूट सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेकर ट्राई करते हैं, देखिए ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ आपसे बोला गया है 1/5+√2, है ना, 1/5+√2, यहाँ भी हमें रेशनलाइज करना है ना,
तो यहाँ क्या करेंगे, 5 प्लस हमारे पास क्या है 3√2। फिर मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस हो तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 5 माइनस 3√2 और यहाँ भी मैंने लिखा 5 माइनस 3√2 और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1 से अगर मल्टीप्लाई किया मैंने तो क्या हो गया 5 माइनस 3√2 और यहाँ देखिए फिर से a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया ना, a प्लस बी दिस वन a प्लस बी एंड ये a माइनस बी, तो फिर से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज 3√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ऊपर क्या है 5 माइनस 3√2 और नीचे क्या है 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। समझा आपने क्या किया मैंने, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर ओनली 2, क्योंकि अभी आपको बताया था मैंने अगर रूट में अगर कोई नंबर है और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 9 टू से यहाँ हो जाता 18, तो 25 माइनस 18 ऊपर में बचता आपका 5 माइनस 3√2। इसको आप सॉल्व करिए तो क्या बचता हमारे पास, देखिए यहाँ बच जाता हमारे पास नीचे में क्या जाएगा डिनोमीटर में 7 ना, तो ये हो गया डिनोमीटर में 7, ऊपर में बचा आपके पास 5 माइनस 3√2। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, प्लस था तो माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 1/√6 माइनस √5। ठीक है, यहाँ भी हमको रेशनलाइज करना है यानी परिमेयकरण। देखिए क्या करेंगे, यहाँ क्या है √6 माइनस √5 ना, तो क्या है माइनस, तो अभी मैंने क्या बताया था माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ मैंने लिखा √6 प्लस √5, यहाँ भी मैंने लिखा √6 प्लस √5। ठीक है, अब देखिए क्या है हमारे पास, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √5 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, देखिए ऊपर में क्या है √6 प्लस √5 और नीचे आपका हो जाएगा रूट का स्क्वायर यानी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 6 और यहाँ हो जाता है 5। ठीक है, नीचे फिर क्या बचता है डिनोमीटर में 1, ऊपर में क्या बचा √6 प्लस √5 और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना √6 प्लस √5 और दिस वन इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा आपने, हमने क्या किया माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया यहाँ पर 4/√7 प्लस √3। ठीक है, यहाँ भी क्या करना हमें रेशनलाइज करना है ना, क्या है √7 प्लस √3, क्या करेंगे यहाँ मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या है यानी न्यूमिनेटर में क्या है इसको आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है √7 प्लस √3, प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे √7 माइनस √3 से इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, ऊपर में है हमारे पास 4, यहाँ हो गया √7 माइनस √3, नीचे फिर वही चीज़ आ गई आपका a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से फिर सॉल्व करिए, यहाँ क्या हो गया आपका 4/√7 माइनस √3 और ये आपका √7 का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7, यहाँ √3 का स्क्वायर, तो फिर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है 3, नीचे क्या बचा हमारे पास 4, ऊपर भी देखिए 4 है ना, तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, √7 माइनस √3 ये हमारा आंसर, तो √7 माइनस √3 इज़ द आंसर। ठीक है, क्या हो गया √7 माइनस √3 ये क्या है 3 है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्या क्या मैंने प्लस था तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है 8 में हमारा है √3-1 और यहाँ है √3+1। ठीक है, क्या करना हमें, तो यहाँ भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, हमारे पास क्या है √3-1, नीचे है √3+1 ना, रेशनलाइज करिए, प्लस है तो क्या करेंगे √3-1 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए ऊपर में √3-1 तो हम लोग इसको √3-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, नीचे में फिर से a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab यानी 2√3 × 1 है ना, 2√3 × 1 और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर,
नीचे में क्या है हमारे पास, रूट थ्री का स्क्वायर, फिर से रूट और स्क्वायर कैंसिल, थ्री वन का स्क्वायर तो वन ही होगा। अब देखिए रूट थ्री का स्क्वायर फिर से थ्री, यहाँ हो जाएगा आपका टू रूट थ्री, ये हो गया वन का स्क्वायर वन, नीचे में क्या है हमारे पास टू। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर माइनस टू रूट थ्री, क्या बचा भाई में टू। यहाँ से हम लोग टू कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से मैंने टू कॉमन ले लिया, देखिए टू को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा टू माइनस रूट थ्री, और बाई में क्या बचा टू, टू और टू फिर से कैंसिल हो गया, तो टू माइनस रूट थ्री इज़ द आंसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा टू माइनस रूट थ्री इज़ द आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत हद तक क्वेश्चन नंबर एट की तरह ही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, थ्री माइनस टू रूट टू, ठीक है थ्री माइनस टू रूट टू, नीचे है हमारे पास थ्री प्लस टू रूट टू, ठीक है क्या है थ्री प्लस टू रूट टू, इसको भी हमें रेशनलाइज करना है। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर है हमारे पास थ्री माइनस टू रूट टू, और यहाँ पर है हमारे पास थ्री प्लस टू रूट टू ना, यहाँ प्लस है तो इसको भी हमने क्या किया थ्री माइनस टू रूट टू से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है यहाँ भी वही करेंगे थ्री माइनस टू रूट टू से, क्योंकि आपने पढ़ा है प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस होगा तो प्लस से कर लेंगे। अब देखिए ऊपर क्या हो गया, थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री माइनस टू रूट टू, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं थ्री माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ टू रूट टू का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। देखिए तो क्या बचता है हमारे पास, इसको हमने क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको खोल लेंगे। ठीक है तो a मतलब क्या है, थ्री आपका a है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए, ए मतलब थ्री और b मतलब कितना हो गया टू रूट टू। ठीक है तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स टू रूट टू का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या देखिए, थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थ्री का स्क्वायर तो नाइन हो गया, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, तो टू का स्क्वायर हो गया फोर, रूट टू का स्क्वायर टू, है ना। आगे जाके ये एट, नाइन में से एट जाएगा तो वन, तो नीचे तो खत्म हो गया। अब ऊपर में थोड़ा सा सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बना लेते हैं थ्री का स्क्वायर कितना हो गया नाइन, ये आप इसको मल्टीप्लाई करिए थ्री टू जै सिक्स, सिक्स टू जै ट्वेल्व, तो ये आपका हो जाएगा ट्वेल्व रूट टू। यहाँ पर टू का स्क्वायर बोलिए टू का स्क्वायर फोर और रूट टू का स्क्वायर टू, ठीक है नीचे में आपका हो जाएगा नाइन माइनस एट, नाइन माइनस एट तो ये कितना हो गया, नीचे आपका हो गया वन यानी डिनोमिनेटर में हो गया वन, यहाँ बचता है नाइन, फोर टू ज़ा एट, इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, है ना नाइन और फोर टू ज़ा एट को मैंने आगे लिख लिया, बचा क्या माइनस ट्वेल्व रूट टू। और इसको सॉल्व करिए एट एट सिक्सटीन और वन सेवनटीन, तो ये हो जाएगा आपका सेवनटीन माइनस ट्वेल्व रूट टू डिवाइडेड बाई वन दैट इज़ सेवनटीन माइनस ट्वेल्व रूट टू इज़ द आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्या था हमारे पास, प्लस था ना, तो मैंने क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई किया, थ्री माइनस टू रूट टू यहाँ भी है, थ्री माइनस टू रूट टू यहाँ भी है, तो थ्री माइनस टू रूट टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बाद आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है और काफ़ी ईजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह के कुछ और सम्स लेके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आएंगे।